हेलो, आई एम जय जयराम। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय कोचिंग क्लास। इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्ट 19 में हम 55 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमारे डेली यूज के हैं, डेली सामान वार्तालाप में काम में आते हैं, जो मात्रा, समय और मौसम से संबंधी है, यानी क्वांटिटी, टाइम और वेदर से संबंधी है। इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग सही से सीखने के लिए ग्रामर और ट्रांसलेशन का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। हमारी ग्रामर और ट्रांसलेशन से संबंधित प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? आपको कितना घी चाहिए? हाउ मच घी डू यू वांट? हाउ मच घी डू यू मांट? कितना कितनी की अंग्रेजी यदि अनकाउंटेबल चीज के लिए हाउ मच आती है और काउंटेबल चीज के लिए हाउ मैनी आती है। आगे देखेंगे और सेंटेंसेस। आइए, मुझे 5-5 के दो नोट चाहिए। आई वांट टू 5 रुपीज नोट्स। आई वांट टू 5 रुपीज नोट्स। आपने अभी तक कितनी किताबें पढ़ी हैं? हाउ मैनी बुक्स हैव यू रीड सो फार? हाउ मैनी बुक्स हैव यू रीड सो फार? यहाँ पे बुक्स काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे कितनी की अंग्रेजी हाउ मैनी लगाई गई है। नेक्स्ट देखें, संतरे दर्जन के भाव बिकते हैं। द ऑरेंजेस आर सोल्ड बाई डजन। द ऑरेंजेस आर सोल्ड बाई डजन। चावल का भाव 3 रुपए प्रति किलोग्राम है। द रेट ऑफ राइस इज 3 रुपीज पर किलोग्राम। द रेट ऑफ राइस इज 3 रुपीज पर किलोग्राम। मक्का का आटा 2 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है। द मेज फ्लोर इज सोल्ड एट रेट ऑफ रुपीज 2 पर केजी। द मेज फ्लोर इज सोल्ड एट द रुपीज ऑफ 2 पर केजी। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। आई हैव मैनी बुक्स। आई हैव मैनी बुक्स। उसे थोड़ा वेतन मिलता है। ही गेट्स स्मॉल सैलरी। ही गेट्स स्मॉल सैलरी। बोतल में बहुत थोड़ा दूध है। बहुत थोड़ा की इंग्लिश ए लिटिल लगाते हैं। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द बोतल। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द बोतल। कहीं किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है, उसके लिए हम सब्जेक्ट की जगह देयर को रखते हैं। देयर संबंधी वीडियो हमारी अपलोड की जा चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। बांध में बहुत अधिक पानी था। देयर वॉज टू मच वाटर इन द डैम। देयर वॉज टू मच वाटर इन द डैम। वे पिछले 1 घंटे से खेल रहे हैं। They have been playing for the last 1 hour. They have been playing for the last 1 hour. Present perfect continuous का tense है। इसमें singular subject के साथ have been और plural subject के साथ have been और singular के साथ has been plus verb की first form में ing लगाई जाती है। निश्चित समय के लिए since और अनिश्चित के लिए for लगाया जाता है। आइए देखते हैं। राम लगभग 1 घंटे से पढ़ रहा है। राम हैज बीन रीडिंग फॉर अबाउट एन आवर। राम हैज बीन रीडिंग फॉर अबाउट एन आवर। वह 1980 से जेल काट रहा है। ही हैज बीन बिहाइंड द वॉर सिंस 1980। ही हैज बीन बिहाइंड द वॉर सिंस 1980। यहाँ पर 1980 एक निश्चित डिफिनिट टाइम है, इसलिए इसके पहले सिंस लगाया गया है। मैं रोज सुबह दूध पीता हूँ। आई टेक मिल्क इन द मॉर्निंग एवरी डे। I take milk in the morning every day. मुझे सोमवार को एक जरूरी मीटिंग में सम्मिलित होना है। I have to attend an urgent meeting on Monday. होना है, जाना है से पहले फर्स्ट फॉर्म से पहले have to का यूज होता है। I have to मतलब मुझे करना है, attend an urgent meeting on Monday. Next, मोहन दोपहर को आराम करता है। मोहन टेक्स रेस्ट इन द नून। मोहन टेक्स रेस्ट इन द नून। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मुझे रात को खाना खाने के बाद घूमने की आदत है। इट इज माय हैबिट टू हैव ए वॉक आफ्टर डिनर। इट इज माय हैबिट टू हैव ए वॉक आफ्टर डिनर। जब तक मैं यहां हूं आप चिंता मत कीजिए। Do not worry till I am here. Do not worry till I am here. मैं उससे पहले ही बात कर चुका हूँ। I have already talked to him. I have already talked to him. मैं 2 घंटे देर से पहुंचा। He reached there late by 2 hours. He reached there late by 2 hours.
यह काम सोमवार तक खत्म हो जाना चाहिए। दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय मंडे। दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय मंडे। स्कूल रविवार को बंद रहेगा। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। मुझे उससे अभी आने की आशा है। मुझे उसके अभी आने की आशा है। आई एक्सपेक्ट हिम टू कम नाउ। आई एक्सपेक्ट हिम टू कम नाउ। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कम वाट में आई विल हेल्प यू। कम वाट में आई विल हेल्प यू। उसे अब जाना चाहिए। ही शुड गो नाउ। ही शुड गो नाउ। आपकी घड़ी में क्या समय है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। समय मूल्यवान है। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। गया समय फिर हाथ नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट इज नेवर रीगेन्ड। टाइम वंस लॉस्ट इज नेवर रीगेन्ड। आपको समय की कोई कीमत नहीं है। यू हैव नो वैल्यू फॉर टाइम। यू हैव नो वैल्यू फॉर टाइम। किसी को अवसरवादी नहीं होना चाहिए। वन शुड नॉट बी अपॉर्चुनिस्ट। वन शुड नॉट बी अपॉर्चुनिस्ट। कभी मौका को हाथ से ना जाने दो। नेवर मिस ए चांस। नेवर मिस ए चांस। समय किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हमेशा स्कूल में समय पर पहुंचो। ऑलवेज रीच स्कूल इन टाइम। ऑलवेज रीच स्कूल इन टाइम। कृपया अपना समय नष्ट मत कीजिए। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सदा जल्दी उठो। ऑलवेज गेट अप अर्ली। ऑलवेज गेट अप अर्ली। जल्दी सोना व जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ धनवान और बुद्धिमान बनाता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। वह अभी तक नहीं आया। ही हैज नॉट कम एट। ही हैज नॉट कम एट। मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आज तो बहुत ही गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टूडे। इट इज वेरी हॉट टूडे। आज तो बहुत ही सर्दी है तो कहेंगे इट इज वेरी कोल्ड टूडे। इट इज वेरी कोल्ड टूडे। आजकल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इट इज बिटिंग कोल्ड दीज डेज। इट इज बिटिंग कोल्ड दीज डेज। मैं ठिठुर रहा हूँ। आई एम शिवरिंग। आई एम शिवरिंग। मौसम बहुत खराब हो गया है। द वेदर हैज टर्न बैड। द वेदर हैज टर्न बैड। हवा लगभग बंद है। द विंड इज ऑलमोस्ट स्टिल। द विंड इज ऑलमोस्ट स्टिल। उमस बहुत बढ़ गई है। इट इज वेरी ह्यूमिड। इट इज वेरी ह्यूमिड। रेगिस्तान में दिन गर्म और रात ठंडी होती हैं। इन डिजर्ट्स द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। इन डिजर्ट्स द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट। दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। इट इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे। इट इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे। मुझे आशा है मौसम अच्छा रहेगा। आई होप द वेदर विल रिमेन प्लीजेंट। आई होप द वेदर विल रिमेन प्लीजेंट। आपका शुभ नाम क्या है। व्हाट इज योर गुड नेम। व्हाट इज योर गुड नेम। मेरा नाम जय है। माय नेम इज जय। जिसका जो नाम हो माय नेम इज उसके बाद वह नाम कहेंगे। नेक्स्ट आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। आई मैं दिल्ली में रहता हूँ। इसे आंसर देंगे तो आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। छोटा परिवार सुख का आधार। ए लिमिटेड फैमिली इज ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ए लिमिटेड फैमिली इज ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सेंटेंसेस का बार बार प्रैक्टिस करेंगे जिससे
आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस हो जाएगी और निश्चित ही आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाएंगे।